जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जैसा कि नाम पढ़ पा रहे होंगे आप बोर्ड के ऊपर, इसका पार्ट टू बनेगा आज। वैसे पार्ट टू अपन कहीं लिख नहीं रहे, तो क्या मतलब आ रहा है, मैं वीडियो में वैसे भी लिख दूंगा, ठीक है। तिशानी जोशी ने लिखा था, हमने ये पढ़ा भी था थोड़ा बहुत। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका। अगर हमें हमारे पृथ्वी के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो अंटार्कटिका इज द प्लेस वेयर टू गो। भाई अंटार्कटिका वो जगह है जहां हमें जाना चाहिए। तो ह्यूमन इंपैक्ट क्या होता है, मानवीय प्रभाव क्या हुआ, समझते देखो। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर पार्टली 12,000 ईयर्स। हमारी ह्यूमन मतलब हम लोग इस पृथ्वी पर आए हुए हमें कितने साल हुए, ओनली 12,000 साल। कितने साल? 12,000 साल। पार्टली मतलब होता है मात्र, मात्र 12,000 साल हुए, जो कि पृथ्वी कितने सालों से, जैसे 6,500 मिलियन ईयर का तो कल ही पढ़ा था अपन ने, 6,500 लाख साल पहले से पृथ्वी है, और उससे पहले भी होगी, वो तो गोंडवाना था उस समय तो, है ना। बेरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, जो कि जियोलॉजिकल क्लॉक पर आए हुए हमें कितना समय हुआ है, केवल कुछ ही सेकेंड, है ना। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने से कम समय में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, हमने उथल पुथल मचा दिया, बकवास चीजें कर दी, बर्बादी कर दी, पेड़ पौधों की धज्जियां उड़ा दी, मतलब पूरे पृथ्वी को ऐसा कर दिया, अपने स्तर पर बांट लिया है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा कर दिया। एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर, पृथ्वी के प्रकृति के ऊपर हमने अपना 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 बोलते हैं ना, डोमिनेंस ही नहीं होता है, अपना आधिपत्य जमा लिया है, अपना कब्जा कर लिया है। विद अवर विलेज, हमने हमारे गांव बना दिए, टाउन शहर बना दिए, मतलब कस्बे बना दिए, सिटीज शहर बना दिए, मेगा सिटीज बड़ी शहर बना दिए। The rapid increase of human population has left us battling with our other species for limited resources. और ये जितनी तेज गति से हम population बढ़ा रहे हैं, इसका नतीजा ये आ गया कि आज हम लड़ रहे हैं, आज इंसान इंसान से लड़ रहा है, किसके लिए, resources के लिए, संसाधनों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मान लो पेड़ पौधों के लिए, पानी के लिए, पानी के लिए लड़ रहा है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और अपन ने फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन बहुत जलाया, बहुत, जिसकी वजह से क्या हुआ है, he has now created a blanket of carbon dioxide around the world, जिसने इस पूरी दुनिया के आसपास, मतलब जैसे कि ये पृथ्वी है, देखो यहाँ ध्यान दो, जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आसपास जो लेयर बना दी उसने किसकी, CO2 की, CO1 की बनाई, वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऐसी गैसों की, जो गैस क्या है, खतरनाक है हमारी पृथ्वी के लिए, जो टेम्परेचर को बहुत हाई कर रही है, धीरे धीरे हो रहा है। आज देखो अपन कौन से महीने में बैठे, कौन से महीने में बैठे, अक्टूबर में, एंड वी हैव टू पंखास एंड दे आर रनिंग, क्या चल रहे हैं, हमारे पास दो पंखे हैं और वो भी चल रहे हैं। और अक्टूबर की स्थिति होती थी, लगभग सूट पहने आगे लगा जाते, 5 बजे की व्यवस्था ये होती थी, आज 5 बजे की व्यवस्था ये है कि हमें गर्मी आ रही है, देखो पसीना आ रहा है ना। तो ये स्थिति कर दी अपन ने, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड का अपन ने एक ब्लैंकेट बना दिया है, CO2 का, सॉरी CO2 ही दे रखा है तो CO2 ही बताएंगे अपन, है ना, जो क्या कर रहा है, विच इज स्लोली बट स्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये ग्लोबल टेम्परेचर को, वैश्विक टेम्परेचर को, तापमान को लगातार बढ़ा रहा है ये ब्लैंकेट। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंसंटेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ अवर टाइम, हमारे समय की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा बात की जाने वाला मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, जलवायु बदलना। आज देखो ना, गर्मियों में तो बरसात ही नहीं हो रही, मतलब वो नहीं हो रही थी, क्या बोलते हैं, गर्मी में मार्च तक गर्मी नहीं पड़ रही थी, मार्च तक अपन ठंड में थे, ये समय बदल रहा है समझो। आज अक्टूबर आ गया, ठंड नहीं आ रही, नवंबर में भी नहीं निकलेगी शायद, रजाई है शायद, निकल तो जाएगी, लास्ट नवंबर में निकल जाएगी। अभी देखो ना आप, आज 13 अक्टूबर हो गए, आज भी हमें पंखे कूलर चलाने पड़ रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, हमारे सामने प्रश्न है कि क्या जो वेस्ट वेस्ट दिशा की, तो वेस्ट दिशा आप जानते होंगे कि अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो इधर वाली जो है ना, ये अंटार्कटिका का जो भाग है, इसकी इधर की आइस शीट जो है, क्या वो पूरी पिघल जाएगी, प्रश्न ये उठ रहा है, निश्चित प्रश्न कर रहा है डायरेक्टर। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बड, क्या फिर वो खाड़ी की जो ओशन करेंट्स होते हैं, मतलब धारा प्रवाह होते हैं, धाराएं होती हैं, क्या वो टूट जाएंगी, रुक जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी न्यू इट, जिस दुनिया को हम जानते हैं, क्या उस दुनिया का अंत आएगा।
मैं भी और मैं नोट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अदर वे दोनों तरीके से अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस डिबेट के अंदर अंटार्कटिका एक महत्वपूर्ण मतलब बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेंड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए नहीं, इसलिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर कोई जिंदा नहीं रहता, कोई बंदा, वो कोई बंदा नहीं रहता, इस पर कोई लोग नहीं रहते, इसलिए नहीं है महत्वपूर्ण। देयरफॉर रिमेंस रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट, या फिर इसके लिए महत्वपूर्ण है कि ये अलग से ही है, ये मुख्य है, विशेष है, ऐसा नहीं है। बट मोर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स हाफ मिलियन ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर। की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ये, क्योंकि इसकी बर्फ के जो बराबर जबरदस्त जमा हुआ है ना, इसमें 50,000 साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड है। कितने हजार साल पुराना? 50,000 साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड होना बहुत बड़ी बात है। हाफ मिलियन ही नहीं होता है, 50, 1 मिलियन में कितने, सॉरी 50 नहीं, 5 लाख, 1,25,000, 10,000 लाख, 1,25,000, 10,000 लाख। हाँ, क्योंकि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो हाफ मिलियन में कितने होंगे, 5 लाख। इफ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हमें पृथ्वी का प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता करना है तो हमें कौन सी जगह जाना चाहिए, अंटार्कटिका इज प्लेस वेयर टू गो। अंटार्कटिका वह जगह है जहां हमें जाना चाहिए। तो ये बात बताई इसने, ये ह्यूमन इंपैक्ट के बारे में बात बताई कि ह्यूमन इंपैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक हुआ, कि जो पृथ्वी पहले बहुत ज्यादा ठंडी और बहुत ज्यादा मस्त सुहावनी थी, आज हमें सांस तक नहीं आ रहा। कई जगह ऐसी है, दिल्ली में ऐसी स्थिति है, दिल्ली में अगर आप सांस लेते हो तो आपने लगभग कुछ सिगरेटें पी ली, मेरे को एक्यूरेट नंबर पता नहीं, अपने आप उसकी हवा में इतना धुआं है, इतना अपने पर अपने लंग्स को अपन ने वीक कर लिया दिल्ली में अगर हम रह रहे, क्योंकि इतना प्रदूषण है। शंघाई चाइना का एक सिटी है, उसके लिए कहते हैं कि बहुत प्रदूषित प्रदूषित सिटी हो, वहां सांस लेने का मतलब है इतनी, मतलब एक संख्या बताते हो, मेरे को कन्फर्म पता नहीं है, कि इतनी संख्या में सिगरेट पी लेना एक दिन, अगर आप एक दिन वहां रह के आते, इतनी दूषित हवा है वहां, सांस इतनी खतरनाक। ये हमने तो किया, किसने किया है एक बार बताओ, मतलब सिगरेट के धुएं से नहीं हुआ ये गाड़ियों के धुएं से हो रहा है, क्या सोचे सिगरेट ज्यादा पीता होना ना, गाड़ियों के धुआं से हो रही है। ठीक है, अब इसी के लिए क्या है, ये चीजें बताने के लिए, ये चीजें समझाने के लिए, आज के तुम्हारे जैसे युवाओं को बताने के लिए कि पृथ्वी इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें मारा काटी जान लेना ये सब इसका सोल्यूशन नहीं है, मारना काटना इसका सोल्यूशन नहीं है, इसमें हमें समझदार बनाना पड़ेगा, हमें पॉपुलेशन कम करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा टारगेट है पॉपुलेशन कम करना, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो खाने वाले कम होंगे, खाने वाले कम होंगे तो इस पृथ्वी का शोषण कम होगा, और हम तो लगे हुए आज हम भारत के मतलब भारत दुनिया का एक पहला देश है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, ये स्थिति है हमारी, हम लोग समझ ही नहीं रहे, हम दो हमारे चार में जी रहे, जो कि हम दो हमारे एक में जीना चाहिए, तो सही बता रहा। चलो कई लोग करते हैं, कई लोग मान ही नहीं रहे, वो रोनाल्डो को ले ले, 5-5, 6-6, 4-4 हो गए रोनाल्डो के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, हाँ वो फोटो डालने से मतलब थोड़ी ना है। चलो ध्यान दो, स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस नाम का एक प्रोग्राम है, द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विद ऑन सोकल्स्की, मैं जिस जहाज पे गई हूँ वो जहाज किस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, स्टूडेंट ऑन आइस, एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय थिंकिंग सॉरी टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट, इसका टारगेट यही है, क्या करता है ये, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स यानी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को, बाहर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सिरों पर, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और उनको एक प्रेरणास्पद शिक्षा के देने की कोशिश करता है, अवसर प्रदान करता है, विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर अवर प्लेनेट, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट के लिए उनके मन में एक सम्मान की भावना आए, एक नई समझ आए। इट्स बीन इन ऑपरेशन, इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, ये 6 साल हो गए इसको चलते हुए, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रे, इसका कौन है हेडेड, कौन अध्यक्ष है इसका, कौन करवाता है इसको, जियोफ ग्रे, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्डिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड, जो बड़े बड़े मतलब अधिक इनको सेलिब्रिटीज को कास्ट कर करके इनको इनके साथ इंटरव्यू ले लेके थक गया था, तो रिटायर हो गया, रिच है, अमीर है, क्यूरियोसिटी सीकर है, ढूंढता है किसकी क्यूरियोसिटी सीकर मिले मुझे बहुत ज्यादा, हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, और चाहता है कि केवल कुछ ही सब कुछ मेरे को रिटर्न दे, कोई ना कुछ मिले,
तो इसने क्या किया, विद स्टूडेंट ऑन आइस नामक प्रोग्राम से ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, आप जैसे लोगों को, क्योंकि आप आने वाले पॉलिसी मेकर हो, इस देश को चलाने वाले आप ही हो, बट नेता ना बनेगा तो वोट तो देगा ना, तब वोट बहुत कुछ बदल सके। तो स्टूडेंट ऑन आइस के माध्यम से वो ऑफर करता है आने वाली जनरेशन को, पॉलिसी मेकर्स को, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एज, इस उम्र में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देता है कौन, जॉब ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस, वेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, क्योंकि इसी उम्र में वो ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेहतर है, ऑब्जर्व समझने में, लर्न सीखने में, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक्ट करने में, एक्ट करने में पीछे नहीं हटती इस एज के, इस एज के लोग। अभी तुम्हारे फोन आए ना कि तुम्हारे भाई लोग को मारा, अभी जैसे कृष्णा का फोन आया, कृष्णा भाई भाई मेरे को मारा यहाँ पे, तो तुम बाकी बाकी चल जाओगे, यूं भी नहीं सोचोगे कि सर को बोले नहीं बोले, पूछ के जाओगे तुम तो सर वो कृष्णा को मारा मैं जा रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी, इसमें कहाँ सोचते, युवा अवस्था बिल्कुल भी नहीं सोचती, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं का भी नहीं सोचती, ताकि लड़ाई था तो था पहुंच देते हो जुदा, यूं ना सोचे कि था पर देवा बाद में सामने वालों भी देखो, और उस सामने वालों देखो तो हो सके पुलिस में भी जाना पड़े, जेल भी हो सके, ये कहाँ सोचते हो। युवा शक्ति, युवा जोश। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। सबसे ज्यादा सफल होने का कारण पता है क्या है, क्यों सफल हुआ ये प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम सफल क्यों हुआ, क्योंकि आप साउथ पोल के आसपास जाओ और उससे प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जब यहां से जाओगे तो कहोगे ओए मैं तो एसी में बैठा रहूंगा मजे आते हैं मेरे को तो, लेकिन जब उधर से आओगे ना तो आप कहोगे एसी खराब है, तब आपको पता लगे कि एसी कितना खराब है, एसी की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना वही एसी की तेजी कर रहा है ओजोन लेयर की। It's easy to be blessed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. हमारे घरों पे बैठकर हम आराम से कह देते हैं, ओह कितनी बर्फ पिघल रही है यार, हाँ सारे पर्वत पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका पिघल रहा है, एसी में बैठे बैठे ये सारी चीजें, तो कहाँ कह रहे हो तुम, एसी में बैठे बैठे तुम्हारे जैसा बप नहीं है कोई। But when you can visibly see glacier retreating, लेकिन जब तुम अपनी आंखों से उन glaciers को टूटते हुए देखोगे, ice shelves clasping, हिमस्खलन होते हुए देखोगे, you begin to realize, तुम सब समझोगे that the threat of global warming is very real, कि जो धमकी है ना global warming की वो वास्तविक है। अभी तक तो तुम कैसे होते हो, क्या ही नहीं होगा, मैं आने वाले जमाने में बता रहा हूँ आपको, 55 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, जहां का 50 डिग्री भी नहीं जाता था, 55 डिग्री टेम्परेचर, सोचो मई की गर्मी में हम बाहर तक नहीं निकलते, सोचो, और हमारे भाई जी उसे गर्मी में काम करते हैं, और तुम ऐसे में बैठे हो, कूलर में बैठे, कूलर तो फिर भी ठीक है लेकिन एसी तो बहुत खराब है, एसी को तो छोड़ दो, त्याग दो, या फिर क्लोरोफ्लोरो फ्री वाला एसी लाओ, सीएफसी फ्री एसी भी आते हैं, ठीक है। यहां लगाओ निशान अंटार्कटिका से, कल करेंगे इसको कंप्लीट। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मर्जी पड़े जो करो, लेकिन हमारा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, देखो है ना। जय हिंद, जय भारत।